यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, जब तक एक्सल स्केलेटल नहीं होगा तब तक उसके ऊपर और स्केलेटल नहीं आ सकेगा, दैट इज तुम्हारा अपेंडिकुलर स्केलेटल नहीं आ पाएगा। तो लास्ट कल हम लोग जो पढ़े थे उसके बाद बैकबोन के बारे में पढ़े थे, कौन बताएगा हम लोग के पास कितना बैकबोन्स होता है, कौन बताएगा मेरे हम लोग के पास कितना बैकबोन्स होता है, क्या हो गया सबको आज, चेल्सी कितना बैकबोन होता है हम लोग के पास, चेल्सी हम लोग के पास सिर्फ एक बैकबोन होता है, ठीक है, बैकबोन एक होता है, उसमें बहुत सारा क्या होता है, छोटा छोटा हड्डी होता है जिसको हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। तो टोटल कितना हड्डी होता है पीछे, 33 हड्डी होता है, ठीक है, टोटल कितना हड्डी होता है, 33, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो टोटल हम लोग के पास कितना हड्डी है, 33 हड्डी है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और एक एक हड्डी को हम बताए थे वर्टिब्रे कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। तो बैकबोन एक ही है भैया, ठीक है, जो कि कर्व होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, बता जल्दी से मेरे को, कर्व होता है, ठीक है। तो बताए थे कर्व होने का क्या रीजन है, ये भी हम तुम लोग को बताए थे। तो कर्व होने का जो रीजन था वो था कि भैया वो हम लोग के बॉडी को क्या करता है, बैलेंस देता है, द कर्व अब्सॉर्ब्स प्रेशर एंड शॉक व्हाइल वॉकिंग रनिंग एंड प्रोटेक्ट द कॉलम फ्रॉम ब्रेकिंग। तो तुम लोग यहाँ देख सकता है, यहाँ पे ये बात दिया हुआ है। तो गिव रीजन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हम तुम लोग को बताए थे गाड़ी में भी क्या होता है, सॉकर होता है, ऐसे ऐसे करके तुम लोग देखा होगा, ऐसे करके अगर चक्का होता है तो चक्का के अगल बगल में सॉकर लगा रहता है, कि अगर गाड़ी कहीं बम्पर में आया कहीं पे भी आए तो वो गाड़ी क्या हो जाए, नीचे बैठ जाता है और बिना हम लोग को जर्क किए क्या होता है, गाड़ी आराम से चल सकता है, ठीक है, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कोई गड्ढा आया था। तो यहाँ पे भी यही बात बता रहे, और कुछ भी नहीं है। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे, एक बार और एक चीज बताते कि टोटल जो हम लोग का 33 हड्डी होता है उसमें सबसे पहला बोन का नाम क्या होता है, एटलस। सबसे पहला बोन का नाम क्या होता है, एटलस, और उसके बाद क्या होता है, एक्सिस होता है। कल हम लोग इस चीज को पढ़े थे, क्या होता है कि कोई अगर फांसी लटकाता है तो फांसी जो, ये कौन बच्चा बताएगा, यहाँ पे एक कैविटी होता है, ठीक है, ये वाला कैविटी का नाम क्या है, जहां पे तुम्हारा बैकबोन स्कल में घुसता है उस कैविटी को क्या बुलाते हैं, फोरमैन मैग्नम, ठीक है, उस कैविटी को क्या बुलाते हैं, फोरमैन मैग्नम। भैया ये फोरमैन मैग्नम में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जाके क्या हो जाता है, धस जाता है। तो ये चीज बताए थे तुम लोग को, फोरमैन मैग्नम। दूसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या, ध्यान से सुनना सा बच्चा, फोरमैन मैग्नम में जाके ये घुस जाता है। भैया वर्टिब्रा का मेन काम क्या है, जो हम लोग का बैकबोन है उसका मेन काम क्या है, तुम ऐसे समझो कि एक आउटर पाइप है, इसके अंदर से एक क्या जा रहा है, पतला सा पाइप जा रहा है, ये बहुत पतला सा नर्व होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये पूरा बैकबोन जो है उसी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यही स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, सारा नर्व भैया आके जुड़ता है, जिसके कारण से हम लोग का बॉडी कोऑर्डिनेट करके काम करता है। अगर हम लोग चल रहे हैं, हम बोले अपना हाथ को उठा लो, तो मेरा हाथ जो उठ रहा है वो किसके एक्शन से उठ रहा है, वो तुम्हारा ब्रेन के अंडर ऑर्डर से उठ रहा है। तो ब्रेन को जो ऑर्डर दिया और ब्रेन को ऑर्डर ले जाने में जो मदद किया वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब बदले में एक नर्व इधर से भी जाएगा तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड ही से जा रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, एक्चुअली हम बता देते तुम लोग को, हम लोग के बॉडी में तीन तरह का नर्व होता है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी क्या करता है, सेंस ऑर्गेन से लेके क्या करता है, तुम्हारा ब्रेन तक जाता है, और मोटर जो है उसको क्या करता है, वापिस लेके आता है, और मिक्स दोनों का बना रहता है। तेरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो दोनों काम करता है, इंपल्स को लाता भी है और ले भी जाता है। तो वैसे नर्व को हम लोग क्या बुलाते हैं, मिक्स्ड नर्व बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, मिक्स्ड नर्व। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को। तो ये जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये चीज को प्रोटेक्ट जो कर रहा है वही है बैकबोन। अब भैया ये एक स्ट्रेट लाइन का नहीं होता है, बताए थे कल स्टिक का एग्जाम्पल लेके, कि ऐसे करके क्या होता है, अगर हम स्टिक को बेंड करेंगे तो स्टिक टूट जाएगा। लेकिन अगर कर्व को तुम धनुष को ले लो और उसको जितना भी बेंड करो वो नहीं टूटता है। कारण क्या है भैया, कि वो प्रेशर को मतलब संभाल लेता है, बट एक स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं संभाल पाएगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए भगवान जी हम लोग का जो बैकबोन बनाए वो कैसा बनाए, कर्व बनाए। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना था कितना बैकबोन्स होता है हम लोग के पास, ठीक है, बैकबोन तो एक ही होता है भैया, कितना वर्टिब्रे होता है ये पूछिए। तो हम तुम लोग को यही चीज कल बताए थे, तो हम लोग के पास टोटल कितना हड्डी होता है बैकबोन में, 33 छोटा छोटा हड्डी होता है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वर्टिब्रे बुलाते हैं, जिसको क्या बुलाते हैं, वर्टिब्रे। अब हम लोग बात करते हैं गला में, ठीक है, ये वाला जो गला वाला पोर्शन होता है उसको सर्वाइकल कहते हैं,
ठीक है, तो देख ले सर्वाइकल वर्टिब्रे ये कितना होता है भैया, यदि यार 7 in number, ये कितना होता है 7 होता है, ठीक है अर्पित, तो कितना वर्टिब्रे होता है 7 सर्वाइकल, तेरा नेक रीजन में कितना बोन होता है भैया 7, जिसमें से सबसे पहला बोन जो है वो एटलस है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जाम्स में आता है। दूसरा चीज देख यहाँ पे हम लोग और नीचे चलते छाती वाले रीजन में, छाती वाले रीजन को क्या बुलाते बता, छाती वाले रीजन को थोरैसिक रीजन बुलाते हैं, ठीक है। अब बैकबोन पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है, तो बैकबोन जो है वो किस तरफ जा रहा है, पीछे। अब बोलोगे भैया आगे भी तो हम लोग के सामने भी ऐसे करके हड्डी है, ठीक है, देखो मेरे को अगर हम बात करें, ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे करके एक बोन यहाँ से ऐसे करके आया, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग का एक बोन है, लेकिन ये बोन जो है पेट तक ही जा रहा है, उसके नीचे और नहीं जा रहा है, तो ये बैकबोन है क्या? नहीं भैया, ये जो आगे बोन है, हम तुम लोग को एक नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे, ब्रेस्ट बोन बताए थे, या उसी को स्टर्नम, वेरी गुड, उसी को क्या नाम दिया गया था, स्टर्नम नाम दिया गया था, तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना। और पीछे जो बोन जा रहा है दैट इज कॉल्ड बैकबोन, तो बैकबोन जा ही रहा है, तो ये जो छाती वाला रीजन है उसमें कितना बोन होता है, मत पढ़ो तुम लोग, ठीक है, अब तो बहुत जन यहाँ पे इसको मारेंगे और तुम लोग वीडियो में देखना, तो टोटल कितना बोन्स होता है बताओ, कोई बच्चा 12, क्या बोली श्रेया, 12 होता है, 12, ठीक है, थोरैसिक रीजन में कितना, ठीक है, थोरैसिक रीजन में जो होता है कितना बोन होता है, 12 बोन होता है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाते हैं पेट वाला रीजन, ठीक है, तो पेट वाला रीजन को लंबर रीजन कहते हैं, लेकिन भैया बैक साइड है, तो कितना बोन होता है उसमें, 5 बोन होता है, तो तुम लोग को ये याद रखना है, ठीक है। तो भैया देखिए पहला आया आपका नेक वाला रीजन, नेक वाले रीजन को क्या बुला रहे हैं, सर्वाइकल बुला रहे हैं, सर्वाइकल में 7 बोन, फिर तुम्हारा छाती वाला रीजन थोरैसिक हो गया, थोरैसिक में कितना बोन है बता जल्दी से, 12, फिर आता है तेरा लंबर रीजन, पेट वाला रीजन, ठीक है, पेट वाले रीजन में टोटल कितना बोन है, 5 बोन, फिर तुम्हारा कौन सा रीजन आता है, नीचे आता है सैक्रम, ठीक है, ये हिप गडल के पास पहुंच जाता है, हिप गडल क्या होता है, ये हम लोग का हिप गडल है जहां पे हम लोग बेल्ट पहनते हैं, ठीक है, थीके? तो तुम देख सकता है, ये देखो यहाँ पे ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे देख, ये वाला जो पार्ट है ये है तेरा हिप गडल, ये क्या है तेरा हिप गडल, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो तुम लोग यहाँ पे पीछे पे देखो, ये लंबर वर्टिब्रे दिख रहा होगा तुम लोग को, तो पेट वाला रीजन है यहाँ पे, इसी के एकदम पीछे में कौन सा बोन आता है तुम्हारा, सैक्रम आता है, और लास्ट जो आता है वो आता है कॉकिक्स, भैया सैक्रम 5 होता है, कॉकिक्स 4 होता है, और ये सारा बोन आपस में फ्यूज्ड होता है, आपस में क्या होता है, फ्यूज्ड, तो फ्यूज्ड हो गया तो वो तेरे को कैसा लगेगा, एक सिंगल यूनिट लगेगा, ठीक है, बना हुआ कितने बोन का है, 5 और 4 बोन का, लेकिन सब फ्यूज्ड है तो तेरे को क्या लगेगा, एक यूनिट लगेगा, समझ में आ गया, तो ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से स्टार्टिंग से हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोग आज क्लास में ही याद कर लो इस चीज को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल, भैया स्कल जो है हमारा उसमें कितना है, सबसे ऊपर चलिए यहाँ पे, ये रहा खोपड़ी, खोपड़ी में कितना बोन होता है, 8 फ्लैट बोन्स होता है, टोटल कितना बोन्स होता है, फिर चेहरा पे, ठीक है, चेहरा पे अगर चले जाए तो चेहरा पे कितना बताया था, 14 फेसियल बोन्स, याद रखना, क्या याद रखेगा, जिसमें से लोअर वाला जो है बुक में नहीं लिखा हुआ है, लोअर मैंडिबुला बुलाते हैं इसको, ये मूवेबल होता है, ये क्या होता है गौतम, मूवेबल होता है। फिर आप लोग चलिए, हम लोग चलते हैं कहाँ पे, भैया यहाँ पे कैविटी होता है जहां पे जाके आपका क्या होता है, बैकबोन स्कल से जुड़ता है, जुड़ता है मतलब क्या, घुस जाता है वहां पे, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फोरमैन मैग्नम, ठीक है, देखो अजीब सा नाम है लेकिन तुम लोग को याद करना पड़ेगा, तो क्या बोलते हैं उसको, फोरमैन मैग्नम बुलाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। अब इसके बाद देखो फिर क्या लिखता है, ब्रेन बॉक्स का क्या नाम बताया गया था, क्रैनियम, ब्रेन बॉक्स का क्या नाम बताया था, अब खोपड़ी लिख के मत आ जाना, यहाँ पे क्या होता है उसका, क्रैनियम होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अब कहाँ चलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में चलते हैं, भैया हम लोग का जो बैकबोन होता है कितना हड्डी होता है उसमें, टोटल 33 हड्डी होता है, और उसको रिस्पेक्टिवली क्या बुलाते हैं, वर्टिब्रे बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, वर्टिब्रे, सबसे पहला जो हड्डी होता है उसको क्या बुलाते हैं, एटलस बुलाते हैं, और उसके सेकेंड वाला जो होता है एक्सिस, देखा होगा 3D8 में बोला ही था कि सबसे पहला नाम याद रखते हैं उसके बाद कोई नाम याद नहीं रखते, हु वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, Neil Armstrong, ठीक है, तो Neil Armstrong, on who was the first man to go into space? Valentina Tereshkova, Yuri. क्या बोला, हाँ कोई सही बोला अभी जवाब? भैया पहले हम बोले थे Yuri Gagarin. ठीक है, Yuri Gagarin was the first man to go into space.
सबसे पहला डॉगी कौन था स्पेस में जाने वाला? लाइका, लाइका द बिच, लाइका, ठीक है वाह, वेरी गुड। तो जनरल नॉलेज भी इम्पोर्टेंट, बहुत दिन बाद तुम लोग से कुछ पूछे तो यहाँ पे ये सब भी याद रखना है तुम लोग को। तो फर्स्ट मैन का नाम याद रहता है, सेकंड थर्ड का कोई याद नहीं रखता है, यही डायलॉग था उसमें। अब यहाँ पे देखो दूसरा चीज क्या बताता है, फिर हम लोग पहुंच जाते कौन सा रीजन भैया, नेक वाले रीजन में। तो नेक वाले रीजन में कितना बोन होता है बता मेरे को, नेक वाला रीजन का नाम पहले बता। सर्वाइकल बुलाते, क्या बुलाते? सर्वाइकल। बहुत जन देखा होगा डॉक्टर का पट्टा बांध कैसे रखता है, तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। तो ये वाला रीजन ध्यान रखना, सर्वाइकल बुलाते हैं। फिर भैया बैकबोन पीछे जा रहा है और आगे जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, या क्या याद रखेगा तुम लोग? स्टर्नम याद रखेगा। बार बार इसलिए बता रहे क्योंकि आज इसका बहुत काम पड़ने वाला है। कल एक और बात बताए थे तुम लोग को क्या, कि भैया ये जो छोटा छोटा हड्डी है आपस में टकरा के तो चूर चूर हो जाएगा, तो चूर चूर होने से बचाने के लिए क्या हुआ है यहाँ पे, भगवान जी ऐसा डिजाइन किया हम लोग को कि हम लोग का बॉडी जो है वो क्या हो सके, आराम से हम लोग मूव कर सके। तो ये वाला जो बोन के बीच में लिगामेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोला, एक्चुअली कार्टिलेज है, ये क्या है, कार्टिलेज। ये कहलाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्या बुलाते हैं इसको, आज इसका नाम आएगा तुम लोग देखना। ये एक क्यूशन की तरह एक्ट करता है, तकिया जैसा, ठीक है, तकिया से मार देंगे तुमको चोट नहीं लगेगा, तो भैया वहां पे ऊन भरा रहता है, तो यहाँ पे भी यही बात बता रहा है, वो पैडिंग की तरह एक्ट करता है। क्या चीज की तरह एक्ट करता है? पैडिंग की तरह। दो हड्डी आपस में टकराता है तो उसको चूर होने से क्या कर देता है, बचा लेता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो आज हम लोग नया पढ़ेंगे। ओके, हड्डी का नाम याद करवा रहे थे, तो सात सर्वाइकल हो गया, फिर कौन सा रीजन आएंगे बता, 12 छाती वाला रीजन, थोरैसिक, फिर भैया पेट आ जाता है, कितना हो जाता है 5 लंबर, और फिर सैक्रम रीजन 5, और फिर लास्ट क्या होता है, कॉकिक्स रीजन, ठीक है, लास्ट क्या हो जाता है, कॉकिक्स, उसमें भी कितना होता है भैया, 4 रहता है। तो फिर देख ले यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया इसको, पहला नंबर आया 7, दूसरा आया 12, फिर आया 5, फिर 5, और फिर कितना आया 4, सबको जोड़ ले कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33, जिसमें से लास्ट दो जो है वो दोनों भैया फ्यूज रहता है, वो दोनों क्या रहता है, फ्यूज रहता है, दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, वो तेरा एक बड़ा हड्डी जैसा क्या करेगा, एक्ट करेगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक और चीज, लास्ट वाला जो बोन है कॉकिक्स जिसको बुला रहे हैं, वो टेल बोन भी बुलाते हैं उसको, क्या बुलाते हैं, हम लोग के जो पूर्वज है वो बंदर थे, ठीक है, साफ ही बोल रहे हैं, घर में मत चिल्लाने लगना ये सब। तो यहाँ पे ये जो है इसको टेल बोन बुलाते हैं, और इसमें तुम लोग एक पढ़ोगे, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गेन, क्या पढ़ोगे, ठीक है, इंटेस्टाइन जब पढ़ रहे थे हम लोग उसमें आया था ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बहुत बार होता है, तो वेस्टिजियल ऑर्गेन। भैया व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गेन, बॉडी में एक ऐसा ऑर्गेन जो है बट उसका बॉडी में कोई काम नहीं है। आज का तुम लोग का एक होमवर्क है, अपेंडिक्स के अलावा बॉडी में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गेन है फाइंड करके हमको बताना, ठीक है, अभी कोई सर्च नहीं करेगा, बाद में हमको बताना, अभी कुछ रिसेंट टाइम में ये आया है, मतलब डिस्कवरी हुआ है उसका, कि एक और ऑर्गेन है बॉडी में जो वेस्टिजियल ऑर्गेन है, बॉडी में है बट हम लोग का कोई काम नहीं है। तुम लोग के केसेस में ब्रेन है और तो क्या बोले है बट कोई काम नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद आगे देखते हैं, अब आगे देख यहाँ पे क्या बताता है, ये थोड़ा अजीब सा पैराग्राफ है लेकिन एक एक करके सुनना और समझना। इस पैराग्राफ को समझाने से पहले हम तुमको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे तुम लोग देखो ए बी सी डी करके ऐसे करके दिया है, तो कुछ नहीं है, ए तो तुम्हारा पूरा बैकबोन का डायग्राम है, बी जो है वो क्या है भैया, बी जो है वो आपको दिखा रहा है ऊपर वाला पार्ट एटलस का, ठीक है, तो यहाँ पे यही वाले पार्ट को हम तुमको दो साइड से दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट ये हो गया तुम्हारा क्या, नीचे से देख रहे हैं, ठीक है, और ये वाला पार्ट को साइड से देख रहे हैं, ये वाला ही पार्ट को क्या देख रहे हैं, साइड, ठीक है, तुम लोग साइड, ओके, यहाँ पे ध्यान देना। फिर यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, हम तुमको यहाँ पे बता रहे थे यही हड्डी का दो व्यू दिखा रहे, एक टॉप व्यू नहीं मतलब नीचे से देख रहे हो तुम लोग, और एक ये साइड व्यू देख रहे हो। तो ये देखो क्या चीज से बना है, ये बना कैसे, इसका स्ट्रक्चर जरा सा देखना, यही चीज तुमको थोड़ा सा वो पैराग्राफ में कंफ्यूज कर देगा अगर तुम यहाँ पे इस चीज को नहीं समझोगे। यहाँ पे तुम देखो एक आर्क ये और दूसरा आर्क ये, कल हम तुमको बताए थे कि बैकबोन के अंदर में एक छोटा सा क्या होता है, गैप होता है, जिसके अंदर से क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है, और ये एक कैनल की तरह है जिसको हम लोग न्यूरल कैनाल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, न्यूरल कैनाल। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। तो तुम लोग क्या करता है मैथ्स में, भैया ये ऐसे करके हम लोग आर्क बनाते हैं, ठीक है, 60 डिग्री बन गया,
इधर 120 डिग्री बन गया, ऐसे करके हम लोग आर्क बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है न्यूरल कैनाल, ये भी दो आर्क से बना हुआ है। दो क्या चीज से बना हुआ है? आर्क से, ठीक है। तुम लोग देख सकता है, एक तुमको यहाँ पे देख रहा है क्या एट्रिकुलर फेसेट, और एक क्या दिखा रहा है यहाँ पे तुम्हारा रिब फेसेट। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट का जो नाम दिया हुआ है इसको ध्यान से देखना। जोसेफ में एक बार इसका लेबल करने आ गया था, तो तुम लोग इसको भी देख लेना लेबलिंग के लिए। ये वाला पूछा था उसमें क्या क्वेश्चन ऐसे कि बताओ ये कौन सा वर्टिब्रे है, तो तुमको यहाँ पे लिखना था ये फर्स्ट वर्टिब्रे है जिसका नाम क्या है एटलस, जिसका नाम क्या है एटलस। या ऐसे पूछ सकता है कि बताओ ये किसका पार्ट है, तो क्या लिखेगा ये बैकबोन का पार्ट है। किसका पार्ट है? बैकबोन का। दूसरा चीज यहाँ पे देख सकता है तुम लोग, इसमें और भी अभी क्वेश्चन आएगा। अब जो तुमको पढ़ाना था इसमें देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखता है स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा। यहाँ पे क्या लिखता है, ईच वर्टिब्रे इज समवॉट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पहले ही बता दिए थे। इट्स लोअर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बोन कॉल्ड सेंट्रम, ठीक है भैया, और द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेंट्रम आर फ्लैट, ठीक है। तो सेंट्रम का ऑपोजिट एंड जो है वो क्या होता है? फ्लैट होता है। फिर क्या, ऑन द डॉर्सल साइड। अब एक चीज बता देते तुम लोग को, ठीक है, डॉर्सल मतलब क्या होता है? बैक, और वेंट्रल मतलब होता है फ्रंट। ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द सेंट्रम इज अ कैनाल, जिसको कौन सा कैनल बुलाते हैं? न्यूरल कैनाल। जिसको कौन सा कैनल बुलाते हैं? न्यूरल कैनाल। फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू न्यूरल आर्केज। अब देखो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर को ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। सब बच्चा यहाँ पे देख सकता है, ये तुम देख, ये तुम्हारा कौन सा साइड दिखा रहा है? डॉर्सल मतलब बैक साइड है। तो ये देख सकता है ये क्या चीज का बना हुआ है, यहाँ पे देख न्यूरल आर्क का बना हुआ है। यही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, यही चीज वहां पे पीछे बोल रहा है। और ये जो है ये बॉडी ऑफ क्या लिखा हुआ है? सेंट्रम लिखा हुआ है। बॉडी ऑफ क्या लिखा हुआ है? सेंट्रम। तो यहाँ पे यही बोलना चाहता है कि ये जो सॉलिड सिलेंडर ऑफ बोन जो है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? सेंट्रम। तो तुमको एक चीज समझाते हैं, तुम ऐसे समझो कि ये एक तुम्हारा सर्कल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस सर्कल में हम ऐसे करके छेद कर दिए, सर्कल में क्या कर दिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो रेड वाला पार्ट है, इसी को क्या बुला रहा है ये लोग? सेंट्रम बुला रहा है। इसी को क्या बुला रहा है? सेंट्रम बुला रहा है। अब इसी में तुम लोग देखो, एक आर्क इधर बना दिए, एक आर्क इधर बना दिए, दो आर्क बना दिए हम लोग यहाँ पे। तो ये जो आर्क है इसी को क्या बुला रहा है? इसी को बुला रहा है तुम्हारा न्यूरल आर्क। इसी को क्या बुला रहे हैं हम लोग? न्यूरल आर्क बुला रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब वापिस चलते हैं उस पे। फिर क्या लिखता है यहाँ पे, ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द सेंट्रम इज अ कैनल। डॉर्सल मतलब बैक साइड। तुम देख यहाँ पे हम फिर से तेरे लिए डायग्राम यहाँ बना देते ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आए। ऐसे करके भैया ये देखिए आपका बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये गोल दिया हुआ था। तो यहाँ पे ये बैक साइड में ये वाला आ रहा है, बैक साइड में कौन सा वाला आ रहा है? ये वाला पार्ट आ रहा है। ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द सेंट्रम इज अ कैनल, ये रहा भैया बैक वाला साइड में कैनल है, हाँ ठीक है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू न्यूरल आर्क, बोला ये कैसे बना? जब दो न्यूरल आर्क ऐसे करके मिला तब जाके ये क्या हुआ? फॉर्मेशन किया। अब आगे देखो क्या लिखता है, इन नेचुरल पोजीशन द स्पाइनल कॉर्ड रन्स थ्रू द न्यूरल कैनाल। हम तुमको पहले ही बताए थे तुम्हारा न्यूरल कैनाल के अंदर से ही क्या जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। क्या जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इन द स्पाइनल कॉर्ड इन नेचुरल न्यूरल स्पाइन इज अ फ्लैट लॉन्गिट्यूडनल रिज प्रोजेक्टिंग अपवर्ड फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू न्यूरल आर्क। ट्रांसवर्स प्रोसेस अ थिक साइडवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द न्यूरल आर्क। तुम लोग पेज पर जाके देख सकता है, वहां पे ट्रांसवर्स प्रोसेस भी लिखा हुआ था। द न्यूरल आर्क ऑल्सो बियर एट्रिकुलेट फेसेट वन इच फ्रंट एंड वन इच बिहाइंड ऑन आइदर साइड। तो देखो यहाँ पे जो जो नाम बोल रहा है सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, देख तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा एट्रिकुलर फेसेट, तुम लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये क्या दिखाना चाह रहा है? ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखाना चाह रहा है। तो तुमको लेबलिंग करना है, इसका ज्यादा कोई काम नहीं है। लास्ट वाला जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अ पैड ऑफ कार्टिलेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क और ब्रिस्टल बुलाते हैं। वही इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हम तुमको बोले थे वो पैडिंग की तरह करता है, दो हड्डी आपस में चूर चूर ना हो जाए, तो इसीलिए वो उसके बीच में रहता है। ये चीज ध्यान रखना। या इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं बता? ब्रिस्टल बुलाते हैं। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? ब्रिस्टल बुलाते हैं। फॉर्म्स ए काइंड ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू वर्टिब्रे। तो इसका इसको अंडरलाइन करो और यहाँ पे फंक्शन लिख लो। एक्चुअली में तो ये उल्टा पूछा जाता है कि बताओ नेम
name a cartilage that forms a fusion between two vertebrae या padding between two vertebrae. तो क्या लिख के आओगे? Intervertebral disc, या इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? Crystal बुलाते हैं. या इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? Crystal बुलाते हैं. मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ भैया. ओके ठीक है. तो इसके बाद देखो आगे क्या लिखता है. आगे वापिस से भैया वही चीज बता रहा है. नेक, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स. तो हम तुम लोग को पहले ही बता दी ये चीज. खाली यहाँ पे साइड में क्या कर, हड्डी का नंबर लिख ले. नेक वाले रीजन में 7, थोरेसिक वाले रीजन में 12, लंबर वाले रीजन में 5, सैक्रम वाले रीजन में 5, कॉकिक्स वाले रीजन में 4. साइड में नंबर लिख ले, तुम भी जब भी पढ़ेगा तुम्हारा काम बन जाएगा. अब इसमें देखो एक बार ये भी पूछा हुआ है. देखो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला हड्डी है एटलस और दूसरा हड्डी का नाम क्या है? एक्सिस. इसके अलावा क्या नया इन्फॉर्मेशन दिया है भैया बताइए. लिखता है यहाँ पे 7 हड्डी में 2 हड्डी का नाम दे दिया. द रिमेनिंग 5 नेक वर्टिब्रे डू नॉट हैव एनी स्पेशल नेम्स. ठीक है चलिए भैया अच्छा ही हम लोग के लिए. तो थोरेसिक के लिए क्या लिखता है? हैव लॉन्ग न्यूरल स्पाइन विच आर डायरेक्टेड बैकवर्ड. ठीक है तो ये पीछे की तरफ होता है, मतलब तुम लोग को बताया ये पीछे की तरफ चला जाता है, आगे नहीं रहता है. ईच ऑफ देयर ट्रांसवर्स प्रोसेस बियर ऑन इट्स एक्सट्रीमिटी अ फेसेट फ्रॉम एट्रिकुलेशन विद द ट्यूब्रल ऑफ द रिब. इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो है पीछे से देख सकता है, ये इस तरीके से ज्वाइंट रहता है ताकि ये क्या बना सके? रिब बना के, रिब केज बना सके. लंबर वाला रीजन देख लो तुम लोग, ये सब का कोई काम नहीं है तुम लोग को. सीधे हम तुम लोग को यहाँ पे ले जा रहे हैं स्टर्नम पे. तो स्टर्नम क्या होता है बता? स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन बुलाते हैं. स्टर्नम को क्या बुलाते हैं भैया? अगर रिब केज बनाना है तो आगे भी एक बोन होना पड़ेगा, तभी वो क्या बना पाएगा? रिब केज बना पाएगा. तो द स्टर्नम इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन लाइंग इन द मिडिल ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट. इस चीज को ध्यान रखना. फिर आता है रिब्स. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोग को पक्का पूछा जा सकता है. ये रिब को देखो अच्छे से, और इसमें अभी हम तुम लोग को एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले, जरा सा नोटिस करना, फिर हम तुम लोग से पूछेंगे. तुम लोग अगर इसको नोटिस कर रहा होगा तो ध्यान से देखो. पहले तो मेरा क्वेश्चन है, टोटल कितना यहाँ पे हड्डी का पेयर है? 12. ठीक है, यहाँ पे भैया टोटल 12 हड्डी का पेयर है. नंबर देख ले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकता है. लेकिन बताइए, बताओ तुम लोग कितना हड्डी है जो स्टर्नम से जुड़ा हुआ है? बुक में देख, बुक ही नहीं लाया. 11, 10 भैया. कितना हड्डी होता है? टोटल हड्डी होता है यहाँ पे 12, जिसमें से रिब के जो है बना रहा है तुम्हारा. देख लो यहाँ पे 12 ही बना रहा है, लेकिन आगे से 7 हड्डी जुड़ा हुआ है. यहाँ से यहाँ अगर देखेगा तुम लोग सब बच्चा, देखो अच्छे से 7 नंबर पे देखो. या नंबरिंग दिया हुआ ना, बुक में मत देखो, यहाँ देखो 7 नंबर जो दिया हुआ है वो डायरेक्टली गोल घूम के आगे से पीछे जुड़ा हुआ है. आगे से कहाँ जुड़ा हुआ है? पीछे घुमा हुआ है. 7 हड्डी पीछे भैया बैकबोन है, आगे आपका स्टर्नम है. तो यहाँ पे देख सकता है तुम लोग स्टर्नम से जुड़ा हुआ है. यहाँ पे तुम लोग देख सकता है क्या स्टर्नम से जुड़ा हुआ है. अब भैया आप तो बोले 12 हड्डी है, बाद बाकी हड्डी का क्या हुआ? हाँ तो सुनो, 7 तो तुम्हारा डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ है. 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 ये जो है ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है? 7वां से जुड़ा हुआ है. वो किससे जुड़ा हुआ है? 7th नंबर से जुड़ा हुआ है. देख यहाँ पे सब जन, ये जाके 8, 9 और 10 वो स्टर्नम से नहीं जुड़ के क्या होता है? 7वें नंबर पे जुड़ गया. समझ में आ गया? ये सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? देखा होगा पूजा होता है तो हाथ जाके सटा देते हो, ठीक है, थाली में. थाली को नहीं छुके, सीधे हाथ जो भी सबसे पहले थाली जोड़ छू रहे उसमें हाथ सटा देते हैं. तो सेम यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है. 7th से 8, 9 और 10 को क्या किया जाता है? वो उससे ज्वाइंट हो जाता है. उससे क्या हो जाता है? ज्वाइंट. भैया बाद बाकी 2 किससे ज्वाइंट है? ना तो वो सिर्फ आगे आया ही नहीं है, वो पीछे रह गया है. तो ये वाला जो लास्ट पेयर है वो भैया क्यों आगे की तरफ नहीं आया? अगर वो आगे आ जाता तो तुम जो आज झुक रहे हो झुक नहीं पाते. वही क्या करता? उसमें बीच में आ जाता. वो क्या हो जाता? बीच में आ जाता. तो लास्ट वाला जो पेयर है उसको हम लोग बुलाते हैं फ्लोटिंग रिब. लास्ट वाला जो 11 और 12th पेयर है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? फ्लोटिंग रिब बुलाते हैं. एक मिनट खाली रुकना. हेलो, अब देख आगे क्या लिखता है. तो यहाँ पे यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 7 रिब जो है ये आपका क्या है? डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ है. भैया 8वां, 9वां और 10वां पेयर है वो किससे जुड़ा हुआ है? 7वां से, बाय
हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे एक और कार्टिलेज का नाम आएगा जिसका नाम क्या है, हाइलिन। आवाज नहीं आ रहा, चल गया। एक मिनट, किसी को नहीं आ रहा आवाज मेरा? भैया आ रहा है, भैया आ रहा है भैया। ओके, तो देख 8, 9 और 10 सीधे 7 से जाके जुड़ा हुआ है दोनों की तरफ। तो ये वाला जो है, ये जिससे जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या बताए, हाइलिन कार्टिलेज। क्या नाम बताए, हाइलिन कार्टिलेज। तो इस चीज को भी ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे क्या लिखता है, और लास्ट वाला जो पीछे पेयर दिख रहा है तुम लोग को, जो हम पीछे की तरफ दिखा रहे, इसको 11 और 12 पेयर जो है ये आगे की तरफ गया ही नहीं है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फ्लोटिंग रिप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फ्लोटिंग रिप। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू रिप्स एंड फ्लोटिंग रिप। तो पहला तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देख लो सब बच्चा, रिप्स देयर आर 12 पेयर, कितना पेयर बताया, 12 पेयर। ध्यान रखना कितना पेयर होता है, 12 पेयर ऑफ रिप, विच अलोंग विद थोरैसिक वर्टिब्रा एंड द स्टर्नम कंस्टिट्यूट द बोनी केज। ये केज बनाता है और जो कि बोन का बना रहता है, और रिप केज बुलाते हैं। The first 7 pair of the true ribs are attached to the front of the sternum with the help of hyaline cartilage. क्या चीज से जुड़ा हुआ है, देख ले, hyaline cartilage. Underline कर ले इसको, ये क्या चीज से जुड़ा हुआ रहता है, hyaline cartilage से जुड़ा हुआ रहता है। फिर देखो आगे क्या लिखता है यहाँ पे, The 8th, 9th, and 10th pair of ribs do not articulate directly with sternum. बोला 8वां, 9वां और 10वां वाला जो है वो डायरेक्टली उससे जाके नहीं जुड़ रहा है, वो किससे जुड़ रहा है, वो आपका 7वां से जुड़ रहा है, the 7th rib with the help of hyaline cartilage. फिर यहाँ पे ये बात बताया कि जो 8th, 9th और 10th pair है भैया, वो डायरेक्टली आपका स्टर्नम से जाके नहीं जुड़ रहा है, वो क्या चीज से जुड़ रहा है बता जल्दी से, hyaline cartilage के थ्रू। क्या चीज से जुड़ रहा है, 7th pair से, किससे जुड़ रहा है, 7th pair से। देख लो तुम लोग डायग्राम, ये छोटा छोटा माइन्यूट सा डिटेल है जो तुम लोग को अलग बनाएगा सब बच्चे से, ये सब चीज तुम लोग सब ध्यान नहीं देता है, तो इसको देखना तुम लोग, ठीक है। जो भी मेडिकल लेना चाह रहा है आगे, वो लोग को तो और देखना चाहिए सब चीज को, तो ये फॉलो करना इसको। इसके बाद लास्ट वाला देख लो, 11th और 12th पेयर भी आगे इसलिए नहीं जुड़ा हुआ है, वरना हम लोग झुक ही नहीं पाते, और इसको हम लोग कौन सा रिप कहते हैं, और फ्लोटिंग रिप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फ्लोटिंग रिप। तो ट्रू रिप कहाँ तक हुआ भैया, 1 से 7 पेयर जो है वो कौन सा रिप कहलाता है, ट्रू रिप। क्यों ट्रू रिप है, क्योंकि भैया बैकबोन से क्या चीज से अटैच है, स्टर्नम से। बैकबोन से क्या चीज से अटैच है, स्टर्नम। और आपका जो लास्ट जो 2 पेयर है, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा रिप बुला रहे, फ्लोटिंग रिप बुला रहे। क्या बुला रहे, फ्लोटिंग रिप। समझ में आ गया इतना सवाल, तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। और इसके बाद देख फिर क्या लिखता है, फिर आता है तुम्हारा क्या, हाथ पैर का हड्डी सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाथ पैर का हड्डी के साथ। तो इसके लिए हमको एक मॉडल चाहिए, ठीक है, तो हम बुलाते हैं कुशल, वैभव को बुला रहे हैं, मेरे पास वैभव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैभव हम लोग को बताएगा सारा हड्डी के बारे में, ठीक है। तो हड्डी के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ध्यान से देखना हड्डी में कितना हड्डी होता है हाथ में, पहले हम लोग काउंट करेंगे, उसके बाद सारा का क्या करेंगे, नाम देंगे, उस सबका क्या देंगे, नाम। तो चलो देखते हैं यहाँ पे वैभव हम लोग आज हड्डी के बारे में बताएगा कि हम लोग के हाथ में कितना हड्डी है। आइए वैभव जी यहाँ पे देख, ठीक है। तो ये रहा वैभव, तो दिख नहीं रहा है, ये रहा वैभव, हाई कर दो वैभव। भैया हड्डी कहाँ है, देख यहाँ पे इसका ये हाथ है, ठीक है। तो हाथ से स्टार्ट करते हैं, ये देख इसका हाथ है, ठीक है। ये हाथ को ऐसे करके आगे पीछे क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। अब यहाँ पे देख, ये जो है इसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये वाला हाथ इसका इधर जाके क्या हो गया, घुस गया। जैसे क्या करते हैं, ये प्लग है, ठीक है, ये प्लग है, ऐसे करके हम इस सॉकेट में क्या कर दिए, प्लग को घुसा दिए। सेम उसी तरह यहाँ पे इसका हाथ जो है, यहाँ पे ऐसे करके क्या था, कैविटी था। अब इस कैविटी का नाम भी बताएंगे आज ही, ये इस पे जाके ऐसे करके चला गया। बहुत बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, गिर पड़ जाता है, ये धसक जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, भैया वीडियो आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है भैया, आवाज फंस रहा है भैया, एक मिनट। हाँ अभी आवाज क्लियर है, ठीक है, सुन वापिस से। तो ये वाला जो हड्डी है इधर जाके क्या हो गया, घुस गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है, ये भैया फ्रीली मूवेबल है, तो दिस इज कॉल मूवेबल, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, इसका नाम है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये ऐसे हड्डी है, ये ऐसे जाके यहाँ पे घुस गया। अब भैया देखिए, ये ऐसे से करके मूव कर सकता है, तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब यहाँ पे देख, ये इसका बाइसेप्स है, ठीक है, यहाँ पे इसका कितना हड्डी है, तुम लोग अपना हाथ भी छू के देख सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम छुएंगे तो एक ही हड्डी मिल रहा है मेरे को, कितना हड्डी मिल रहा है, एक। इसका क्या नाम होगा वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन आया, ठीक है। बहुत बच्चा को यही नहीं पता आर्म क्या है, शोल्डर क्या है, इसको क्या बुलाते हैं शोल्डर, इस पूरे को क्या बुलाते हैं आर्म, ठीक है, इस पूरे को क्या बुलाते हैं आर्म, इसको क्या बुलाते हैं एल्बो, वेरी गुड, ये इसको क्या बुलाते हैं, इसको रिस्ट बुलाते हैं। तुम लोग घड़ी पहनता है रिस्ट वॉच बोल के पहनता है कि नहीं, अब याद रहेगा तुम लोग को घड़ी को रिस्ट वॉच। अब तुम लोग यहाँ पे देखो क्यों ये सब बता रहे, तुमको हड्डी का नाम बहुत जल्दी याद हो जाएगा इसे। भैया यहाँ पे एक बोन है, ये वाला जो बोन है इसको ह्यूमरस बोन कहते हैं। बहुत बार देखना ऐसे करके हाथ ऐसे कहीं चोट लग जाता है, झटका मारता है, ठीक है, तो इसको एक नाम दिया गया फनी बोन। क्या नाम दिया गया, फनी बोन, ये वाला यहाँ पे झटका। तो ये टोटल एक बोन है, ये टोटल क्या है एक बोन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का अगर बात करें, ठीक है, इतना सा था, इसमें तुम्हारा कितना हड्डी है, दो हड्डी, समझाते, एक हड्डी यहाँ से ऐसे करके इसके यहाँ पे चला गया, यहाँ पे, यहाँ से कहाँ चला गया यहाँ, और दूसरा हड्डी यहाँ से कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसका नाम बताएंगे। अब भैया ये रहा रिस्ट, ठीक है, देख ये ऐसे करके घुमा सकता है, ऐसे हाथ क्या कर सकता है घुमा सकता है, तो यहाँ पे भी एक ज्वाइंट है। भैया ये ज्वाइंट तो आप बताए नहीं, ये अपना हाथ को ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, लेकिन क्या पीछे की तरफ कर सकता है, नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अनलेस अंटिल तुम भूत नहीं हो, तो यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा रिस्ट वॉच। अब इसके बाद तुम लोग देखो ये रहा सिंगम का पंजा, तो सिंगम का पंजा जो देख रहा है इसको क्या बुलाते हैं, पाल्म बुलाते हैं, ठीक है, तो पाल्म बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे इस हड्डी को क्या बुलाते हैं उसका नाम बताएंगे। अब यहाँ पे देखो ये है फिंगर, फिंगर्स में कितना हड्डी है, हड्डी गिनना है, पहले बता इसमें कितना हड्डी है, ये खुद ही आंसर बता रहा है, खुलना नहीं है, सीधा पांच, कितना हड्डी है पांच, ठीक है, यहाँ पे कितना हड्डी है इसका, पांच हड्डी, आंसर खुद ही बता रहा है। और अब बताओ ये तुम लोग गिनो, तो हाथ का रेखा गिनता है ना तुम लोग, यहाँ पे इसको गिनो, ये ऐसे करके तीन है भैया, कंपार्टमेंट जो बना हुआ है, देख देख हम कहना क्या चाहते, देखना यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है, चलो तुम लोग तब तक देखो। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे स्टार्टिंग फ्रॉम आर्म, यहाँ से शोल्डर, यहाँ पे भैया सबसे पहले इसका बात करते हैं, यहाँ एक हड्डी, यहाँ पे दो हड्डी, यहाँ पे भैया कितना हड्डी होता है, आठ हड्डी होता है, ये सिंगम वाला पंजा में कितना है पांच, और यहाँ पे इसको क्या बुलाते हैं, सबका नाम बताएंगे, इसमें कितना हड्डी होता है भैया, थंब में एक दो, फिर एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है, ऐसे करके गिनते जाओ तो 14 हड्डी निकलेगा। इसको फेलांजेस बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, फेलांजेस बुलाते हैं। तो ये सारा हड्डी का नाम अब तुम लोग को याद रखना है। अब हम एक एक करके सारे हड्डी का नाम बताएंगे विद देयर जॉइंट्स, वहां पे कौन कौन सा जॉइंट है उसका भी हम नाम बताएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी आर्म, यहाँ पे सबसे पहला जो आया बोन ऑफ द फोर लिम्ब, अब ये भी पता है थे तुम लोग को कि हम लोग का दो लिम्ब होता है, एक सबसे आगे वाला फोर लिम्ब और पैर वाला क्या होता है हाइंड लिम्ब होता है। तो देख सकता है बोन फोर लिम्ब्स एंड द हाइंड लिम्ब्स लार्जली कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर, अच्छा ठीक है, जैसे पैर में हड्डी होता है उसी तरह हाथ में भी हड्डी होता है, ये कहना चाहता है, मतलब ऑलमोस्ट जो नंबर भी है ना वो भी सेम है, तुमको बताएंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखता है, द फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल बिग बोन जिसका नाम क्या है ह्यूमरस इन अपर आर्म, तो ये वाला हड्डी को क्या बुलाते हैं ह्यूमरस, तो फनी बोन इंग्लिश में मजाक को बुलाते हैं ह्यूमर करना, ठीक है, तो ह्यूमर करना वाला जो बात हुआ यहाँ पे उसी से नाम रख दिया ह्यूमरस, क्या नाम रख दिया ह्यूमरस, तो ये वाला जो बोन है इसको क्या बुला रहे हम लोग ह्यूमरस बुला रहे, क्या बुला रहे ह्यूमरस, ठीक है। अब ये वाला जो मसल्स है ये बाइसेप्स कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है ट्राइसेप्स कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है ट्राइसेप्स, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक रहता है, दैट इज अपोजिट रहता है, एक खुलेगा तो एक क्या हो जाएगा पिचक जाएगा, तो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो होता है एक दूसरे के क्या होता है एंटागोनिस्टिक बिहेवियर शो करता है। फिर देखो आगे क्या बताता है, फिर क्या बताए थे यहाँ पे टू लॉन्ग बोन्स इन लोअर आर्म, तो भैया ये आपका अपर आर्म हो गया ये आपका लोअर आर्म हो गया, तो यहाँ इसको एल्बो भी बुलाते हैं। तो भैया यहाँ पे देखिए ये वाले पार्ट में कितना हड्डी है, दो हड्डी है, इन दोनों हड्डी का नाम क्या है रेडियस एंड उल्ना, इन दोनों हड्डी का नाम जो है वो क्या है रेडियस एंड उल्ना, तो ये चीज ध्यान रखना रेडियस एंड उल्ना। फिर आया तुम्हारा क्या रिस्ट बोन, ये देख ये ऐसे ऐसे करके हम ऐसे करके हाथ मूव कर रहे हैं, तो ये जो रिस्ट बोन है इसमें इसको कार्पल्स बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं कार्पल्स, ठीक है। तो ये जो कार्पल्स होता है कितना होता है आठ होता है, कितना होता है आठ, ठीक है।
तो तुम लोग अगर चाहते हो याद करना, लिख भी सकते हो अपने हाथ में, दिन भर में याद भी हो जाएगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, ये दो हड्डी का नाम क्या है? रेडियस और उल्ना। ठीक है, क्या है? रेडियस और उल्ना। लास्ट ईयर सब याद कर रहे थे, आप ही में लिख लिख के भेज देते थे सबको। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, रेडियस और उल्ना। एट कार्पल्स, ये जो तेरा रिस्ट है जिसमें वॉच पहनता है, रिस्ट वॉच बुलाते हैं, ये इतना सा पार्ट, ये बस इतना सा पार्ट, इसमें तुम्हारा कितना हड्डी है? आठ हड्डी है, ध्यान रखना। फिर सिंगम बोले थे तो कितना, ये है ये पाल्म वाला एरिया है, यहाँ पे अगर पीछे देखोगे तो ऐसे ऐसे करके तुमको हड्डी दिख रहा होगा, तो कितना हड्डी है इसमें? पांच हड्डी है। तो इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? मेटाकार्पल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ये हो गया रिस्ट वाला कार्पल, ये हो गया मेटाकार्पल, और ये क्या हो गया? फलांजेस। ये क्या हो गया? फलांजेस। तो कितना फलांजेस होता है? 14 फलांजेस होता है। ठीक है, तुम लोग अपने हाथ में इसमें कंपार्टमेंट काउंट कर सकता है, तुमको खुद ही दिख जाएगा। तो टोटल कितना फलांजेस होता है? 3 तुम्हारा सारे फिंगर्स में और 2 तुम्हारा थंब में रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया। अब चलते हम लोग पैर के बारे में। ठीक है, तो पैर से स्टार्ट करते। अब पैर आता है हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो इसके बाद हम बताएंगे गडल के बारे में। गडल क्या भैया? ये जो दो हाथ है जाके ऐसे करके जुड़ गया, तो ये इससे जुड़ा, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड शोल्डर गडल। ये क्या हो गया? शोल्डर गडल। और फिर नीचे वाला जहाँ पे हम लोग पैंट पहन रहे हैं तो वो क्या हो गया? तुम्हारा हिप गडल हो गया। वो क्या हो गया? हिप गडल। तो जैसे तुम लोग देखा होगा खिलौना आता है, सेम हम लोग भी एक तरह के खिलौने ही है। ठीक है, हम लोग को हड्डी में ऐसे करके सारा क्या होता है? जोड़ दिया जाता है ऐसे करके, ये हाथ इसमें घुस गया, ये हाथ इसमें घुस गया। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड शोल्डर गडल। पैर के साथ भी ये होता है, लेकिन अब भैया पैर में कौन? पहले हम सिंपल एक पूरा पैर का बात करते हैं। पैर में कितना हड्डी होता है? तो बोला कि हाथ में जैसा होता है पैर में भी क्या होता है? सेम। तो हम कल तुम लोग को बताए थे थाई बोन के बारे में। ठीक है, हम लोग का पूरा बॉडी का जो प्रेशर लगता है वो कहाँ पे लगता है? थाईज में पड़ता है। थाई जो बोन होता है उसको क्या बुलाते हैं? फीमर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फीमर। ये हम लोग के बॉडी का सबसे क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। जोसेफ के बुक में बहुत अच्छे से इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो तुम लोग उसमें देखो, बहुत अच्छे से क्लियरली एकदम दिया हुआ है। हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे उसे। तो यहाँ पे देखो, हाइंड लिम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन जिसका नाम है फीमर, द थाई बोन विच इज द लॉन्गेस्ट बोन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हम तुमको बताए थे ये चीज, अंडरलाइन कर लो इस चीज को, हम लोग का लॉन्ग, ये जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन बच्चा मेरे को बताएगा ईयर ऑसिकल कौन कौन सा हड्डी का बना हुआ रहता है? मालस, इनकस और स्टेप्स। तो ये चीज ध्यान रखना, मालस, इनकस, स्टेप्स, ये तीन हड्डी जो है ये ध्यान रखना हमेशा, ये ईयर ऑसिकल्स कहलाता है। हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी सब होता है। ठीक है, ईयर ऑसिकल कहाँ पाया जाता है भैया? कान में पाया जाता है, बोलना नहीं है इसको आगे से। अब इसके बाद देखो आगे क्या लिखता है, इसके बाद आगे क्या लिखता है चलो देखो। तो भैया फीमर बोन से नीचे जाइए। ठीक है, अब हम लोग का जो नीचे जाएंगे तो नीचे हम लोग के घुटना आता है। घुटना में हम लोग का क्या होता है? नी कैप बुलाते हैं। नी कैप का भी बुक अजीब सा नाम दिया हुआ है, पटेला। ठीक है, क्या नाम दिया हुआ है? पटेला। तो नी कैप को क्या बुलाते हैं? पटेला। बाद में हम तुमको बताएंगे यहाँ पे साइनोवियल ज्वाइंट पाया जाता है, और ये एकदम से अलग ज्वाइंट होता है बॉडी का, जो कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ यहीं पाया जाता है, जहां दो बोन आपस में इधर उधर घुसता नहीं है, सटा हुआ रहता है। ठीक है, बोन क्या रहता है? सटा हुआ रहता है। तो पटेला होता है नी कैप को, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, पटेला के बारे में, नी कैप को क्या बुलाते हैं हम लोग? पटेला बुलाते हैं। भैया पैर फीमर के नीचे जाइए, तो जिस तरह जैसे यहाँ से यहाँ गए थे तो हम लोग लोअर आर्म में जाएंगे पैर में। ठीक है, तो वो वहां पे भी दो हड्डी होता है जिसका नाम है टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, पैर में भी दो हड्डी होता है जिसका नाम क्या है? टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, टिबिया और क्या है? फिबुला। तो जैसे अब तुम्हारा यहाँ पे इसको क्या बुलाते हैं भैया? इसको हम लोग कार्पस बुलाते हैं। पैर में भी क्या होता है? जहाँ हील, जूता पहनते हील होता है, उसके थोड़े से ऊपर में तुम्हारा क्या होता है? टार्सल्स होता है। क्या होता है? टार्सल। तो कितना टार्सल्स होता है? 7 टार्सल्स होता है। हाथ में कितना होता है? रिस्ट पे 8। पैर में कितना होता है? 7। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, पैर में 7 है बट हाथ में कितना है? 8।
फिर जैसे सिंघम का हम पांच ही बताए, पैर में भी क्या होता है, मेटाटार्सल्स होता है, तो तुम्हारा जो जहाँ पे तुम लोग चप्पल पहन रहा है, जूता पहन रहा है, वो वाला जो पोर्शन है वो हो गया तुम्हारा क्या, मेटाटार्सल्स हो गया। तो कितना मेटाटार्सल्स होता है, वो भी पांच, वो भी पांच सेम। और पैर में भी कितना फेलांजेस है, 14 फेलांजेस है। तो इसीलिए बोला था कि फोर लिम इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या है, हाइंड लिम। जैसे तुम्हारा फोर लिम में है जितनी हड्डी, उतना तुम्हारा कहाँ पे, पैर में भी है। बस एक जगह में अंतर आ रहा है, जैसे यहाँ पे रिस्ट है, पैर में क्या होता है तुम्हारा, एंकल होता है, तो वहां पे कितना हो जाता है तुम्हारा, वहां पे सात हो जाता है। हाथ में आठ है, पैर में सात है, बाद बाकी सब चीज सेम है। अब हाथ वाला का जो यहाँ पे दो हड्डी है, दिस इज कॉल्ड रेडियस एंड उल्ना, इसको क्या बुलाते हैं, रेडियस एंड उल्ना। पैर वाले को क्या बुलाते हैं, टीबिया एंड फिबुला, ठीक है, पैर वाले को क्या बुलाते हैं, टीबिया एंड फिबुला। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो आज हम लोग एक बार इतना ही रखते हैं। और वही बोला, द हाइंड लिम हैज एन एडिशनल बोन पटेला और द नी कैप विच इज जॉइंट ऑन द लोअर एंड ऑफ द फीमर, ठीक है, नी कैप इज अ बोन डेवलप फ्रॉम ए टेंडन। अब एक बात ध्यान दो, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा था, एक बोन का नाम बताओ जो कि टेंडन से डेवलप हुआ है, ठीक है, तो टेंडन से जो डेवलप हुआ उसका नाम क्या बताए, नी कैप बता रहे, क्या बता रहे, नी कैप, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे इतना ही बात बताया है, और कुछ नहीं है, तो तुम लोग इतना एक बार करके रख, थोड़ा सा हमको यहाँ पे बताना है मैथ्स का, ये लोग को तुम बताते, आज एक बार इतना ही क्लास रखते हैं, ठीक है। हम तुम लोग को रिकॉर्डिंग भेज देंगे अगर जरूरत पड़ेगा। हम तुमको यहाँ पे यही बताने वाले थे गडल्स के बारे में। तो भैया गडल्स क्या होता है, तो गडल्स जो है यहीं पे आके तुम्हारा पैर का लिम्स जो आके क्या होता है, जुड़ता है। गडल्स आर द पार्ट ऑफ स्केलेटल विच हैव टू एटिकुलेट द लिम बोन्स, ठीक है, लिम बोन्स को क्या करने में काम आता है, जोड़ने में काम आता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम भी ठीक से नहीं लिया, यहाँ पे देख, तो एक्सल स्केलेटल देयर आर टू गडल्स, कितना गडल्स होता है भैया, दो गडल होता है, एक हो गया तेरा शोल्डर गडल और दूसरा क्या हो गया, हिप गडल। तो ये चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे देख, ये जो तुमको दिखा रहा है नीचे वाला, दिस इज शोल्डर गडल, सॉरी दिस इज हिप गडल, ये कौन सा गडल है, हिप गडल, और ये तो हमारा पूरा शोल्डर गडल नहीं है, ये एक्चुअली एक साइड है, ठीक है, ये क्या है, साइड। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, देर आर टू गडल शोल्डर, और क्या नाम बता रहा है उसका, पेक्टोरल गडल बुलाते हैं शोल्डर गडल को, और कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैट ट्रायंगुलर शोल्डर ब्लेड जिसको स्कैपुला कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्कैपुला। अब भैया ये चीज जो है, जो भी थीनी स्किनी पर्सन है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पतला है, उसका आराम से विजिबल होता है, ठीक है, गला के पास जो होता है यहाँ पे ये, ठीक है, दिस पार्ट, ये वाला जो विजिबल है, ठीक है, यहाँ पे खड्डी से तुम लोग अपना यहाँ पे छू के देख सकते हो अपना अपना, यहाँ पे एक बोन जो होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ लगता है। हम लोग जो शर्ट पहनते हैं तो यहाँ पे इसको क्या बुलाते हैं, अभी तो हम राउंड नेक पर पहन रखे, एक कॉलर वाला शर्ट आता है तो कॉलर बोन बुलाते हैं उसको, यहाँ पे खड्डी होता है ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, तो वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो सब बच्चा देख यहाँ पे क्या बताता है, देख क्या लिखता है यहाँ पे, द शोल्डर ऑफ पेक्टोरल गडल कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैट ट्राइंगुलर शोल्डर ब्लेड, ठीक है, तो उनको क्या बुलाते हैं हम लोग भैया, स्कैपुला बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, स्कैपुला। देख ले यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, तुम लोग अपने अपने बुक में मार्क कर सकते हो, क्या बुलाते हैं उसको, स्कैपुला। अब इसके बाद देखो फिर क्या लिखता है, लिखता है विच लाइज डॉर्सली ऑन द अपर रिब ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड रहता है, इन द थोरैसिक रीजन, मतलब आगे वाले रीजन में, चेस्ट वाले रीजन में। इट्स आउटर एपेक्स बियर्स ए लार्ज समॉट कप शेप जिसको ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया सबसे पहला ग्लेनॉइड कैविटी का नाम, इसको मार्क करो, क्योंकि यही कैविटी के अंदर जाके आपका भैया क्या हो जाता है, हाथ का बोन जुड़ जाता है, ठीक है, यही कैविटी के अंदर जाके हाथ का क्या होता है, बोन जुड़ जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। तो जैसे आपका फोरमैन मैग्नम था, यहाँ पे इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, ग्लेनॉइड कैविटी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, इंटू विच फिट्स द राउंडेड अपर हेड ऑफ द ह्यूमरस, आ गया ना यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखना है। ग्लेनॉइड कैविटी तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बार स्कूल में आ गया था नाम लेबलिंग करने, ये डायग्राम दे दिया था और इसको लेबलिंग करने बोला था, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन हमेशा यही होगा कि बताओ ये फिगर क्या चीज का है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि ये भैया आपका शोल्डर गडल है, वो भी पेक्टोरल साइड। दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, देखो नाम स्कैपुला, फिर ये जो कैविटी, इसको क्या बुलाते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी बुलाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहीं पे आके आपका क्या हो जाता है, ह्यूमर ज्वाइन करता है। दिस ज्वाइंट द शोल्डर ब्लेड हैज अ स्मॉल रेज्ड पार्ट विच इज लॉन्ग एंड कर्व्ड कोलर बोन, जिसको हम लोग क्लेविकल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, क्लेविकल।
तो तुम लोग ये देखो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ये क्या हो गया तुम्हारा क्लेविकल हो गया। तुम लोग अपना अपना यहाँ पे गला शोल्डर में टच करके देख सकता है एक हड्डी ऊंचा उठा हुआ दिखेगा तुमको, ठीक है, या तुम फील करोगे। तो वो जो ऊंचा उठा हुआ हड्डी है वो है क्लेविकल। वो क्या है? क्लेविकल। एक लंबा हड्डी गया है तुम्हारा कहाँ तक, जैसे यहाँ पे देख, मेरे को देख एक बार, यहाँ पे ये गला है मेरा, ठीक है, तो गला यहाँ पे ये एक हड्डी है, ऐसे हड्डी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे एक हड्डी आ रहा है, एक हड्डी यहाँ पे आ रहा है, तो जो उठा हुआ बोन का बात कर रहे वो ये है, और एक हड्डी यहाँ से यहाँ जो गया है ये वाला हड्डी कौन सा हो गया, ये कॉलर बोन हो गया। तो ये वाला जो उठाया इसको क्या नाम दिया गया, क्लेविकल कहा गया। इसको क्या कहा गया? क्लेविकल कहा जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फिर क्या लिखता है, द अदर एंड ऑफ द कॉलर बोन इज जॉइंट टू द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम, और दूसरा एंड जो है देखिए वो कहाँ पे आके जुड़ गया, स्टर्नम से जाके जुड़ गया। तो तुमको वही बात बता रहे, यहाँ से जो ये जाके जुड़ रहा है ये ऐसे करके यहाँ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, तुम लोग अपना फील कर सकता है। तो ये वाला जो है भैया दिस इज स्टर्नम, ये यहाँ से यहाँ के क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये देख ये वाला है ह्यूमरस, ये जो कैविटी है इसको क्या बुलाते, जल्दी बताओ मेरे को, ग्लेनॉइड कैविटी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सारा नाम याद रखना है। तो पहला तो भैया आपको शोल्डर गर्डल के बारे में बता रहे, शोल्डर गर्डल में स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से क्या हुआ, ये भैया आपका ह्यूमर है, ह्यूमर आके कहाँ पे, ह्यूमरस कहाँ पे आके जुड़ गया, ग्लेनॉइड कैविटी। फिर यहाँ पे आपका क्लेविकल है, फिर यहाँ से ऐसे आपका बोन चल रहा है, ये क्या चीज से जाके जुड़ गया, स्टर्नम से जाके जुड़ गया। कहानी खत्म भैया इसका। अब सेम तुम्हारा लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों एक जैसा है, तो ये चीज को अलग मत बना देना। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा नीचे, जिस रीजन में हम लोग पैंट पहनते हैं, ठीक है, वो बेल्ट जिससे बांधते हैं, तो यहाँ पे ये रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, हिप या पेल्विक गर्डल कहते हैं। इज अ लार्ज ट्रफ से पार्ट फॉर्म बाय टू हिप बोन्स, ये क्या चीज का बना हुआ रहता है, देख ले यहाँ पे, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुमको बताए थे बैकबोन जो होता है, यहाँ देख ले बैकबोन का सैक्रम और क्या आ रहा है, कॉकिक्स आ रहा है, सैक्रम और कौन आ रहा है, कॉकिक्स आ रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखना है तुम लोगों को। द हिप और पेल्विक गर्डल इज ए लार्ज टफ सेट पार्ट फॉर्म बाय टू हिप बोन्स दैट आर जॉइंट मीडियली टू द सैक्रम, ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, सैक्रम से। तो भैया आप देखो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये बोन और ये बोन, ये जाके क्या चीज से जुड़ गया, यहाँ पे सैक्रम में। तुम लोग अगर देखेगा काउंट करेगा तो तुमको दिख भी जाएगा कि यहाँ पे पीछे जो है छोटा छोटा हड्डी दिख रहा है। यहाँ पे तुम लोग देखो, हम यहाँ पे ब्लैक रेड कलर से बना देते हैं, ऐसे करके छोटा छोटा हड्डी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पांच सैक्रम और क्या बताए थे, चार कॉकिक्स आता है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। अब जिस तरह तुम्हारा यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी आ रहा था, पैर भी जो है किसमें जाके घुस जाता है, इस कैविटी को क्या बुलाते हैं, एसीटाबुलम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एसीटाबुलम। तो ये चीज भी ध्यान रखना। ऑन ईच साइड ऑफ इट बियर्स ए लार्ज कर्व शेप्ड एट्रिकुलर कैविटी एसीटाबुलम, जिसमें कौन बोन जाके जुड़ जाता है, थाई बोन। कौन सा बोन जाके जुड़ जाता है, थाई बोन, जिसको हम लोग फीमर बुलाते हैं, जिसको क्या बुलाते हैं, फीमर। द हिप गर्डल नॉट ओनली गिव सपोर्ट बट ऑल्सो क्या करने में काम आता है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द एब्डोमिनल ऑर्गेन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, एब्डोमिनल ऑर्गेन। थॉरेक्स के नीचे कौन लाई करता है भैया, एब्डोमेन रीजन लाई करता है। तो यहाँ पे यही चीज बताया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्केलेटन, तो ये चीज का ध्यान रखना कि ये जो हिप गर्डल होता है फीमेल में क्या होता है, ज्यादा वाइडर होता है कंपेरेटिव टू क्या, मेल। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया जब फीमेल जो होता है उनको बच्चा देना रहता है, तो उनको उस समय क्या होता है, यूटेरस जो है वो क्या होता है, एक्सपेंड करता है। तो क्या होता है, एंड द ट्रफ सेड टू अडेप्ट फॉर एकोमोडेटिंग द फीटस इन यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर हम तुमसे पूछ सकते हैं, बताओ फीमेल में वाइडर पेल्विक गर्डल होने का क्या फायदा होता है, तो ये क्या एकोमोडेट करता है, बच्चा को एकोमोडेट कर सकता है यूटेरस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसके कारण वो इलास्टिक रहता है, वो क्या हो सकता है, एक्सपेंड कर जाता है। और फीमेल में जो रहता है वो क्या रहता है, वाइडर रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फिर से देख लो यहाँ पे, हिप गर्डल और शोल्डर गर्डल में दो मेन पॉइंट यही है कि भैया हिप गर्डल का जो कैविटी होता है वो आपका एसीटाबुलम कहलाता है, और आपका शोल्डर गर्डल में जो होता है उसको हम लोग ग्लेनॉइड कैविटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि इसको लेबलिंग करो, तो तुम लोग सब बच्चा का ये काम रहना चाहिए कि इसको लेबलिंग जो दिया हुआ है ये दोनों का लेबलिंग कर लेना है, ठीक है। तो तुम लोग ये दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है सैक्रम और कॉकिक्स तो याद हो ही गया होगा, और दूसरा चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसीटाबुलम दिया हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखना। खत्म कहानी।
इसके बाद क्या आता है भैया, जॉइंट्स आता है। तो चलो हम लोग जॉइंट्स गिनते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कितना बोन्स होता है, टोटल 206 बोन पुराएगा। यहाँ पे हम तुम लोगों को बहुत सारा बोन बता दिए, यहाँ पे आप देखो जॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो चलो देखते कौन कौन सा जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स पढ़ाने से पहले चलो हम तुम लोग को वो चीज दिखाई देते जिसका हम तुम लोग को बोल रहे थे। तो देखो यहाँ पे और सुनो, the skeleton is divided into two main zones which fuse for this reason and an adult the skeleton. ये bone song है, अब देखो क्या बोल रहा है और सुनना भी इसको अच्छे से। 206 bones and an adult babies have 270 which fuse for this result. The skeleton is divided into two main zones which are क्लियर है आवाज तुम लोग को। यहाँ बोला था स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन जोन्स, ठीक है, यहाँ पे ये बोला। तो हम लोग पढ़े थे क्या चीज, एक्सियल स्केलेटल पढ़े थे और एपेंडिकुलर स्केलेटल पढ़े थे। तो वही चीज देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया है, ध्यान से देखना और सुनना। They're called the axial and appendicular bones. The axial skeleton is topped by the skull. Your brain is in the cranium which acts as a whole. The mandible or jaw. याद करा तुम लोग को क्या बोले थे, नीचे में जो बोन होता है उसको क्या बुलाते हैं, लोअर मैंडिबुला बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकता है इट इज मूवेबल, वही चीज ये बता। बोन इज एबल टू एक्सपैंड व्हिच इज यूजफुल फॉर टॉकिंग एज यू कैन अंडरस्टैंड। द ऑसिकल्स आर स्मॉल बोन्स फाउंड इनसाइड योर ईयर। ये क्या बता रहा है, ईयर ऑसिकल्स के बारे में, याद आया, ईयर ऑसिकल इज फाउंड इनसाइड योर ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या भैया, दीज आर द स्मॉलेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी। क्या नाम बताए थे, मालस इनकस्टेप, इनका नाम क्या बताए थे हम तुम लोगों को, मालस इनकस्टेप। The malleus incestapes which all help you hear. Sound waves are amplified by these three bones and then move to the cochlea which discerns the tones. The rib cage helps to protect the lungs and the heart with 12 ribs on each side, the sternum in the front. Your vertebral column, made up of vertebrae, are stacked up very neatly in a vertical array. The cervical. ठीक है, तो देख ले, अभी बताया vertebrae के बारे में, there are 33 small bones जिसको vertebrae कहते हैं, 7 thoracic 12, lumbar 5, sacrum 5, coccyx 4, और ये fused होता है, एकदम सही हम लोग जो पढ़े हैं, वहाँ पे जितना पढ़ा था, वो सारा चीज सेम आ रहा है, तो देख सकता है तुम लोग, इसके अंदर से ये भी दिखाना चाह रहा है, क्या जा रहा है, spinal cord जा रहा है। Vertebrae make up your neck. The spinal cord keeps your reflexes on deck. The ribs are supported by thoracic vertebrae. Lumbar ones are at the end of the spinal cord pathway. 5 sacral vertebrae are fused to form your sacrum, which holds your upper body and is found in your bum. Below it is the coccyx or the tail bone. ठीक है, तो ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये जो एक्सरे आता है, ठीक है, एक्सरे पूरा एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे में ऐसा तुम लोग इमेज देखे होगे, तो ये हो गया एक सैक्रम और उसके नीचे जो ग्रीन दिखा रहा है वो क्या हो गया, कॉक्सिक्स हो गया। तो तुमको अभी हम तुरंत जस्ट यही दिखाएं। In humans, the coccyx has not really grown. The appendicular skeleton, 126 bones. एक appendicular skeleton मतलब thigh bone और ये मिला के कितना bones बना रहा है तुम्हारा, हाइंड लिम और फोर लिम मिला के तुम्हारा, और कैविटी शोल्डर गर्डल और तुम्हारा पेल्विक गर्डल मिला के कितना बना रहा है, 126 बोन बना। इन शोल्डर्स आर्म्स एंड लेग्स एज वी हैव हियर शोन, योर स्कैपुला आल्सो नोन एज योर शोल्डर ब्लेड नेक्स्ट टू द क्लेविकल और कॉलर बोन इज लेड। यू हैव 3 आर्म बोन्स, वन अबव एंड 2 बिलो, हियर दे कम टुगेदर टू मीट एट द एल्बो। The bones of the forearm are the ulna and the radius, the humerus in the upper arm, so don't you forget this. You have 54 bones in one hand and one wrist, of carpals, metacarpals, and phalanges these consist, the proximal intermediate. Hello, wait. So carpals kitna hota batao mere ko? 8. Metacarpals kitna hota hai? 5. कितना होता है, याद हो गया तुम लोगों को। तो यहाँ पे ये चीज हो गया।
अब इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा है, चलो देख लो, अच्छा ही है। And distalphalanges, make up your fingers, which you can move with ease. Remember that your hands are where you find the carpals, and the feet are where you will find all your tarsals. The hip bone can be divided into three, the ilium, ischium, and pubis as you can. ठीक है, वहां पे देखो, वो जो hip girdle था उसने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? क्या क्या नाम है? Ilium, ischium, pubis. तो ये भी ध्यान रखना तुम लोग को, इलियम इशियम प्यूबिस, तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल दैट इज हिप गर्डल इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट, दोस आर इलियम इशियम एंड प्यूबिस, देख सकता है तुम लोग यहां पे। द बोन्स इन योर लेग, वेल देयर आर फोर, द पैटेला इज योर नी कैप, एंड देन देयर आर थ्री मोर, द टिबिया एंड फिब्युला आर फाउंड बिलो द नी, एंड द फीमर्स फाउंड अबव इट, एज वी कैन ऑल एग्री. There are 52 bones in your ankles and your feet. ये देख ankle आ गया, ठीक है, पैर का जहाँ पे हम लोग जूता पहनते हैं, that is your ankle. यहाँ पे देख सकता है कितना यहाँ पे bones होता है. Once you know the hand bones, these will be a tree. 26 into 2 क्यों किया भैया? भगवान दो पैर दिया है, तो एक का 26, दूसरे का भी 26. There are the tarsals, metatarsals and phalanges. Wait, tarsals कितना था? 7. 8. सात कितना था फिर से बोलो? वेरी गुड. वो भैया आपका आठ था, ये सात था, ठीक है, हाथ वाला सात आठ था, ये कितना बताए थे? सेवन है, सेवन. और तुम्हारा मेटाटार्सल्स कितना है? फाइव. ये फाइव है. और फेलेंजेस कितना है? 14. सात पांच बारह चौदह कितना हो गया बताओ? 26 हो गया. तो देखो एकदम सही बैठ रहा है. तो अब तुम लोगों को भी ये सब चीज याद हो गया होगा. अब दूसरा देख क्या बोल. Remember that they are proximal, intermediate and distal. If you enjoyed this video, like and subscribe. You can okay, सही में अच्छा लगा मेरे को, तो हम तुम लोगों को भेज देंगे ये वाला.